आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। जहां सरकार लाख दावे कर रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं कुछ प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान की मिली भगत से योगी जी के सपनों को तार तार किया जा रहा है। जहां सरकार हर गांव में शौचालय बनवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है जिससे हमारा भारत स्वच्छ सुंदर और हरा भरा बन सके, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधान की मिली भगत से सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जहां जिले के आला अधिकारी ही कान में उंगली डालकर बैठे हो, वहां छोटे पदाधिकारियों का तो क्या कहना। जी हां, आपको बता दें कि बात हो रही है जिला सीतापुर के ब्लॉक बेहटा के ग्राम पंचायत लखनीपुर की, जहां प्रधान कमलेश यादव और ग्राम विकास अधिकारी हैं नीरज कुमार यादव, जो कि ग्राम पंचायत लखनीपुर में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि मानपुर मल्लापुर ग्राम पंचायत में जितने शौचालय बनाए गए हैं उन शौचालयों का है बुरा हाल। इतना ही नहीं, जब लोगों से बात की गई तो उन सभी लोगों का कहना है कि आज तक विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया गया है। और शौचालय की बात की जाए तो शौचालय लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए पैसा भी नहीं दिया गया है। और जब जनता द्वारा इसके लिए प्रधान कमलेश यादव और ग्राम विकास अधिकारी नीरज कुमार यादव से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि जैसा बन गया है वैसा ही रहेगा, अगर किसी को ऐतराज है तो वह ना ले। और साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि प्रधान कमलेश यादव और ग्राम विकास अधिकारी नीरज कुमार यादव तो साफ तौर पर कहते हैं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही बनेगा और मैंने प्रधानी में इतना पैसा लगाया है वह इसी तरह से तो निकालूंगा और जिसको जो करना है वह कर ले, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला, क्योंकि हम नेता नगरी में रहने वाले हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शौच के लिए बाहर मैदान में जाना पड़ता है। लेकिन यहां पर सवाल तो यह उठ रहा है कि अगर अभी जिले के आला अधिकारी इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर सरकार और योगी आदित्यनाथ का सपना कैसे साकार होगा और कैसे होगा सबका साथ सबका विकास और कैसे होगा स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार और कैसे बनेगा अपना भारत स्वच्छ। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या अब भी आला अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। संबंधित ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रति परिवार की दर से 12,000 की दर से धनराशि मुक्त की गई है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बात निकल कर आ रही है कि संबंधित सचिव द्वारा जो शौचालय बनवाए गए हैं वह प्रयोग योग्य पूर्णतया नहीं है। कतिपय शौचालयों में दरवाजे नहीं हैं, कतिपय की शौचालयों की फिनिशिंग सही नहीं है। ये प्रकरण संज्ञान में आया है। मैं सराय विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से शीघ्र एक सप्ताह में इसकी जाँच कराते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रहा हूँ। थैंक यू सर। शौचालय मतलब प्रधान ने बनवाया है तो इसका गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं बनवा देखा सामने। प्रधान ने आपको पैसा दिया था? पैसा ना दिन कुछ तो कैसे बनवाया शौचालय? आप बनवाए ना तो बने छोड़ दे। लैट्रिन भर बना के कुछ है नहीं, गड्ढा फड्ढा कुछ बनवा ना कुछ प्रधान बनवाए दी ठेके बनवाए दी। मतलब प्रधान से कहो ना कि मतलब सही बनवाओ ठीक बनवाओ कहें तो कहा बनवाई बनवाई बनवा ना की। ये शौचालय मतलब किसने बनवाया? कमलेश प्रधान। कमलेश प्रधान ने तो इसके गड्ढा वड्ढा क्यों नहीं बनवाए? पता नहीं क्यों नहीं बनवाते। समस्या लेटरिन देखो कैसी बनी नहीं, आधी टूटी है आधी ऐसे नहीं, लड़का पेशाब करत नहीं खाली, लेटरिन करे वाला महिए ने लेटरिन करी है तो ऊपर रुक जी। तो लेटरिन प्रधान ने बनवाया? प्रधान ने बनवाया। समस्या बनवा भैया एक साल हो गया। कुछ ना डरेगा गड्ढा कुछ ना गड्ढा में तो उधर ठाढ़े न हो। प्रधान से कहे वो प्रधान से 14 खेवा कहन तो का कहीं प्रधान कहन बनवाते हैं भी बनवाई नहीं की। कितने दिन हो गए बने? बने हो गया एक साल हो गया अभी। हाँ। कहते हैं बनवाते हैं। खैरुन्निसा खैरुन्निसा कहाँ रहती हो? मानपुर। क्या समस्या है आपके?
ऐसे सब परा है मैं कहूँ पेशाब को करे वाला ना हना लैटरिन करे वाला ना आवे वाला ऐसे पैसा सब खाए गए हाँ। कौन है प्रधान यहाँ के प्रधान है जो है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।